कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, तो समूहवाचक और
ना, ठीक है। अब चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की ओर। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे जैसे जातिवाचक संज्ञा में देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जैसे पर्वत, नदी, पहाड़, पेड़, बच्चा, आदमी, आदमी, औरत आदि। अर्थात देखिए, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। पर्वत, पर्वत की भी जाति होती है, नदी, बहुत सारी नदियां होती है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो एक नदी नहीं होती, नदी की जाति होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां होती है, पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं, पेड़। अब आते बच्चे, बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, बच्चों के नाम होते हैं, लेकिन बच्चों को किसमें रखा जाता है, जाति में। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा की। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में यहां पर जिस संज्ञा का भाव या गुण या दोष इनके बारे में पता होता है या इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी के गुण के बारे में पता चल रहा है, ईमानदार, ईमानदार, अच्छा, बुरा, लंबा, सुंदर आदि। अर्थात जिसकी हम अपनी जिसमें भावनाएं प्रकट होती हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा की और द्रव्यवाचक संज्ञा की। अब इनके बारे में बताएंगे हम आपको। देखिए समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें संपूर्ण समूह का, एक ग्रुप का बोध होता है, ठीक है। जैसे अब हम बताते हैं आपको सेना। देखिए सेना में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उनका एक समूह होता है। उसी तरह से टीम, कोई सी भी टीम ले लीजिए आप, क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, उसमें एक समूह में रहते हैं। तो ये क्या है, एक समूह। जो समूह का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, गुच्छा, कक्षा, गिरोह, ये सब किसमें आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में। जो किसी संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा की, बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा की। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा में
माने गए हैं, तीन माने गए हैं, जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा संज्ञा के दो भेद होते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा जिसमें हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिसमें किसी संपूर्ण समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका हम रूप परिवर्तन